हाँ शहूद बेटा, बताओ सब खैरियत है? आफाक की अम्मी की हालत काफी सीरियस है। क्या आफाक की अम्मी की हालत सीरियस है? और आफाक? आफाक तो खतरे से बाहर है, लेकिन होश नहीं आया उसे अभी तक। दो चार जगह फ्रैक्चर भी हुआ है, दिमाग में भी चोट लगी है। अम्मा दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए। अच्छा बेटा, आफाक को जब होश आ जाए तो मुझे बताना। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर। नानी, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आऊं? हाँ ठीक कह रही है गुल, आप चाय पी लें। कब से बैठी पड़ रही है, सर भारी हो गया होगा। सियाला, मेरे बच्चे की खुशियों को नजरबंद से बचा। जब आपकी दुआएं मेरे साथ है नानी, तो फिर मुझे क्या हो सकता? गुल बेटा, तुम बहुत सादतमंद और बहुत सब्र वाली। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तरीका है फैजा, तमीज नहीं है तुम्हारी बच्ची को बिल्कुल? कम से कम बैठे पूछे कि क्या हो रहा है ये सब घर में। ढोलकी होने वाली थी शाम में और हम सब बैठ के यहाँ दुआ मांग रहे, इसको इतनी तमीज नहीं कि बैठ के पूछे यहाँ? अम्मा थकी हुई है शायद, मैं देखती हूँ। अगर तुम उसके पास जा रही हो तो बोलो कपड़े बदल कर फौरन आए यहाँ और आके बैठे और दुआ पढ़वाए साथ में। जी अम्मा, बहुत बेटे। शहला, तुमने मसूद को बताया था? जी, शहूद ने उसी वक्त कॉल कर दी थी। अब दादी, नौफल और असद भी हॉस्पिटल गए हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा है बेटा। असल में आफाक की बहन का तो शौहर भी यहाँ नहीं है, उसको अकेलेपन का एहसास नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कब खत्म करोगी तुम ये बेवकूफियां अपनी? कम से कम दादी का ही लिहाज किया करो। क्या हो गया अम्मी, बस कर दे, मुझसे नहीं होती है सारी फॉर्मेलिटीज। इसका ख्याल करो, उसका ख्याल करो, पता नहीं किन जाहिलों के खानदान में पैदा हो गई हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम हद से बढ़ रही हो। हद से नहीं बढ़ रही, सच कह रही हूँ, ऐसी बातें जाहिली तो करते हैं। कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, कब आओगी, सर पे दुपट्टा पहनो, घर के काम करो, घर से बाहर मत जाओ। बस बस बस, तुम्हारी बहस शुरू हो गई जो खत्म होने वाली नहीं है। अब जल्दी से नीचे आओ और आकर पढ़ाई शुरू करो उनके साथ। मैं क्यों पढ़ूंगी, जिसके ससुराल का मसला है वो खुद पढ़े। क्यों, तुम इस घर में नहीं आई हो? तुम्हें नहीं पता इस घर का उसूल क्या है? एक फर्द का मसला भी पूरे खानदान का मसला होता है। नहीं मानती मैं इन पुरानी रवायात को। अच्छा, हम भी पता नहीं किस फजूल बहस में पड़ गए हैं। अच्छा मम्मी, मेरी बात सुने ना। बात नहीं करना, अभी टाइम नहीं है, जा रही। सुने ना, आपको पता है जिब्रान ने आज मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाए हैं, वो प्रॉपर्टी जो वो मेरे नाम करने वाला है। कौन जिब्रान? मम्मी बताया तो था, सारा का कजन, आप भूल गई। तुम उससे मिल के आ रही हो? हाँ मिल के आ रही हूँ और आगे भी मिलती रहूंगी, क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। और मैं तुम्हें बता चुकी, ये नामुमकिन है। और मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस कर दूंगी।